बनारस यानी काशी, जहां बाबा विश्वनाथ मंदिर में रोजाना हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर का परिसर लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है, जिसे पुलिस कंट्रोल करती है। लेकिन अब यहां खाकी की मौजूदगी देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, ये सच है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में पुलिस कर्मियों को पुजारियों की वेशभूषा में तैनात किया गया है। तैनात सुरक्षा कर्मी गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिमुंड और गेरुआ वेशभूषा में नजर आएंगे, जो श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे कि उनको बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कहां पर ध्यान केंद्रित करना है। बता दें कि ये फैसला वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लिया गया है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती ही चली जा रही है। इससे देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले शिव भक्तों को न केवल धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें भी मिलनी शुरू हो गई थी। इस बात का संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने यह निर्णय लिया है। मंदिर का गर्भगृह जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो प्रायः भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इस तरह की कई श्रद्धालु से फीडबैक मिलती है कि 4 घंटे या 3 घंटे लाइन में लगने के उपरांत जब वो मंदिर पर पहुँचे तो मंदिर को ही देखते रह जाते हैं और भगवान जी के दर्शन अक्सर वो नहीं कर पाते हैं, और उनको भीड़ की वजह से और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो चूंकि प्रायः जो श्रद्धालु होते हैं, सभी लोगों का जो हमारे पुजारी हैं, पंडित जी हैं, अर्चक हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना होती है, उनका चरण स्पर्श भी लोग करते हैं, तो वो कुछ बताते हैं तो लोग उनकी बात को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी बात को मानते भी हैं। इसीलिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अर्चक पुजारी के भेष में लगाई जा रही है कुछ पुलिसकर्मियों की। बता दें कि मंदिर में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों की बकायदे 3 दिनों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें उन्हें सरल भाषी होने के साथ ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को समझा सकें। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रशासन की तरफ से एक हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था मंदिर में की जा रही है। ड्यूटी में तैनात पुलिस वाले भी काफी खुश हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। पहले से हम लोग बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, दर्शनार्थी हम लोग को इज्जत दे रहे हैं, दर्शनार्थियों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं, दर्शनार्थी हम लोग की बातें सुन रहे हैं, सुनने के बाद बाहर निकल जा रहे हैं, अच्छा फील महसूस हो रहा है हम लोगों को। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हो गई है। बहरहाल पुलिस कमिश्नर की इस योजना से श्रद्धालु भी काफी खुश देखे जा रहे हैं, जिनका कहना है कि प्रशासन ने ये जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी है। लोगों को अब दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है, जिसके लिए वो पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।